हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर अपना जो बिजनेस स्टैटिक्स है उसका सिलेबस। तो बिजनेस स्टैटिक्स का क्या सिलेबस रहेगा वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से स्टैटिक्स के अंदर, जो आप लोग को पता है कि जैसे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो अपना सब्जेक्ट है जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स, तो इसमें हम लोग आज यही डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले तो हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि जो अपना बिजनेस स्टैटिक्स है उसमें क्या है, कितना पढ़ना है, लेकिन आज हम लोग फिल्टर ये करेंगे आखिरकार कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल वाले हैं और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर जो आपके सामने है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये थ्योरी का है, एंड सेकेंड वाला भी थ्योरी का है, और ये भी आपका थ्योरी का है, थ्योरी, और उसके बाद ये भी आपका थ्योरी है, और ये जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, ये भी थ्योरी रहने वाला है। उसके बाद है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप, तो ये है चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका जो है न्यूमेरिकल रहेगा। उसके बाद है अपकिरण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 रहेगा ये आपका न्यूमेरिकल। तो अभी तक जो न्यूमेरिकल्स की बात हुई है चैप्टर 2 है, जो हमारे कैसे हैं, जिनका नेचर कैसा है न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस कर रहे हैं आखिरकार वो कौन से चैप्टर हैं जो हमारे जो है न्यूमेरिकल टाइप है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कुछ चैप्टर हैं जो न्यूमेरिकल टाइप हैं। अब हम लोग जो है फिर देखते हैं कि आखिरकार और उसके बाद कौन से चैप्टर्स हैं जो न्यूमेरिकल के लेवल के हैं। एक बार मैं यहाँ पर लेता हूँ पेन और पॉइंटर, ये आपका पेन, ये देखिए जो आपका विषमता है ये भी रहेगा न्यूमेरिकल, तो ये तीसरा चैप्टर है। उसके बाद है कोरिलेशन, कोरिलेशन भी आपका न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 4, और न्यूमेरिकल के हिसाब से ये भी आपका जो इंडेक्स नंबर है न्यूमेरिकल है ये भी, और 5, और उसके बाद सबसे लास्ट चैप्टर है ये आपका न्यूमेरिकल का चैप्टर नंबर 6। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के 6 चैप्टर हैं जो न्यूमेरिकल के हैं, और आपको यही करने हैं, बाकी सब थ्योरी है जो कि बहुत ही आसान है, और एग्जाम में थ्योरी की न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी आएगी, तो हम लोग सभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस कराए कि आखिरकार कौन से चैप्टर थे जो न्यूमेरिकल टाइप है, और मैं आपको बताऊं कि हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर कर रहे हैं वो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, आखिरकार क्या रीजन है कि हम लोग एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज से ही शुरुआत कर रहे हैं। इसका एक रीजन है, सिंपल सा रीजन है कि ये चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है, चैप्टर छोटा है, इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लेंगे। जब इजी है तो आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे मैं इसे करा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 4 लेक्चर के अंदर, 4-5 वीडियो के अंदर पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसका बेनिफिट ये होगा आपको कि आप लोग इसका जो है रिवाइज कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। अगर मैं बड़ा चैप्टर कराऊँ आपको उसमें टाइम काफी लगेगा, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपको पूरा कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, तो फिर आप लोगों को रिविजन का टाइम उतना मिल नहीं पाएगा। छोटे छोटे चैप्टर जो इजी चैप्टर है हम लोग पहले करेंगे, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा 2 बार 3 बार उसके जो है रिवाइज कर सकें। तो चलिए आज हम लोग जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज काल श्रेणी का विश्लेषण, आज यही हम लोग इस वीडियो के अंदर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेसिक बातें। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज काल श्रेणी का विश्लेषण, आखिरकार जो काल श्रेणी है, देखिए क्या नाम है इसका, काल श्रेणी, ठीक है, काल श्रेणी जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टाइम सीरीज, आखिरकार ये जो टाइम सीरीज है ये क्या है। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा बताया है कि काल श्रेणी का आशय, काल श्रेणी का जो आशय है वो ऐसी श्रेणी या समंक माला से है, समंक माला से, जिसमें काल या समय के आधार पर क्या किए जाए, समंक, समंक का मीनिंग मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, क्या होता है डाटा या फिर कोई सूचना, क्या है, कोई सूचना है वो समय के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। जैसे मैं कहूं कि 2010 में जनसंख्या इतनी थी, 11 में जनसंख्या इतनी है, 12 में इतनी है, या कोई चीज है जैसे कि मैं कहूं 2005 में जो विद्यार्थी थे किसी कॉलेज के अंदर, जो स्टूडेंट थे वो 10,000 थे, लेकिन 5 के बाद 6 आया, ठीक है, 2006 में ये जनसंख्या बढ़ करके स्टूडेंट्स की 200 हो गई है, फिर उसके बाद 2007 में ये जनसंख्या जो है 300 हो गई है किसी स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स, और 2007 के अंदर ये जनसंख्या फिर से कितनी हो गई है, 400। तो मैं कह सकता हूं कि इस तरह का जहां पे इंफॉर्मेशन होगी, सूचना होगी, किसके आधार पर, सूचना समय के आधार पर, देखिए यहाँ पर जो सूचना है आपके सामने
एक कोई कॉलेज है और वहां पर क्या है स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट की जो जनसंख्या है या वहां पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है हर साल प्रत्येक वर्ष बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो जनसंख्या है ये समय के आधार पर, जहां पर कोई इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम समय के आधार पर होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, टाइम सीरीज। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी। अगर एग्जाम में लिखने को आए कि काल श्रेणी का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज को डिफाइन करिए, तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आपको पूरे जो है मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल डाल देना कि जो टाइम पीरियड है ये टाइम, जैसे मैंने लिखा, मैंने तो ईयर में लिखा है, ये टाइम दिन में भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है, माह महीने में हो सकता है, एंड वर्ष में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, घंटा में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग किसी भी तरह से इसे लिख सकते हैं। और दैनिक तापमान जैसे कि मासिक मूल्य हो गया, प्रोडक्शन होगी कि भाई कितने साल में कितना उत्पादन हो रहा है, ठीक है, या किस साल में कितना टेम्परेचर रहा है, या पर डे कितना टेम्परेचर रहता है, कि आज टेम्परेचर इतना है, कल तापमान इतना रहा था, कल तापमान इतना रहेगा, उसके बाद अगले 10 दिनों में इतना रहेगा। तो ये सब क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस तरह की, ये सब क्या है काल श्रेणी के अंदर आएंगी, टाइम सीरीज के अंदर आएंगी। उसके बाद देखिए जो काल श्रेणी है अपनी टाइम सीरीज है, इसके भी प्रकार हैं और इसके भी टाइप्स हैं। इसके जो टाइप्स हैं वो कितने दिए हुए हैं हमें, टू, ठीक है, ये टू टाइप्स की है। सबसे पहले कौन सा है, स्वतंत्र चर, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा। देखिए सेकंड आप लोग क्या देख रहे हैं, ऐसा वेरिएबल्स जो कैस क्या है, जो आपका है आश्रित चर, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप लोग देख सकते हैं स्वतंत्र चर मूल्य, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, स्वतंत्र चर उसे कहा जाएगा जो समय को प्रदर्शित करेगा। देखो मैं आपके एक सामने बना देता हूं, जैसे 2005 है, उसके बाद 2006 है, और 2007 है, 2008 है, और उसके बाद 2009 है। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ ईयर लिख दिए, वर्ष लिख दिए हैं, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं प्राइस, ठीक है, किसी चीज की कीमत, प्राइस पहले 5 रुपये था, फिर वो 6 हो गया, 7 हो गया है, 8 हो गया है, 9 हो गया, ठीक है, इस तरह से मैंने प्राइस भी साथ साथ लिख दी है। तो मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक ये है एक ये है, तो कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो देखिए आप स्वतंत्र चर किसे कहेंगे, समय को, जो इसमें समय है, समय जैसे कि 2005 6 7 8, ये क्या है समय है, और समय को ही हम लोग क्या कहेंगे स्वतंत्र चर की कैटेगरी में रखेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया कि स्वतंत्र चर किसे कहेंगे, स्वतंत्र चर किसे कहेंगे जहां पे समय के आधार पर होगा, ठीक है। देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी समझने में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम लोग आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, 9548441866, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। हम लोग क्या करेंगे, आप सभी को जो भी बच्चे कोर्स परचेज करेंगे हम लोग उनका ग्रुप बनाएंगे, और बीच बीच में जैसे उन्हें कोई प्रॉब्लम आएगी उनके डाउट हम लोग हैंड टू हैंड सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल ये प्राइस है, प्राइस किस पे डिपेंड करता है, टाइम पर, ठीक है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, समय के साथ साथ समको के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव को जो प्रदर्शित करता है, तो उसे क्या कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, आश्रित और स्वतंत्र चर किस तरह से होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि काल श्रेणी के क्या और कोई नाम हो सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, जो काल श्रेणी है, काल श्रेणी के अगर नाम की बात करें तो इसके दो और नाम हो सकते हैं, जैसे कि अपना ऐतिहासिक श्रेणी, ठीक है, इस हिस्टोरिकल सीरीज भी हम लोग कहते हैं उसे, दूसरे दूसरा क्या है समयानुसार श्रेणी, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल सीरीज। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इसके दो और नाम थे और इसके टाइप्स देखे आप लोगों ने। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पॉइंट इसके अंदर। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है कि काल श्रेणी विश्लेषण का महत्व, देखिए मैं इंपोर्टेंस थोड़ा सा, हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो टाइम सीरीज है एक बार मुझे उसका बेसिक पता चल जाए। हमारी कोशिश ये है कि जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक बार बेसिक पता चलेगा तो उनके लिए कहीं ना कहीं आसान होगा समझने को कि आखिरकार जो हम लोग टाइम सीरीज जो चैप्टर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, थ्योरी को डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो इम्प्रूव होगा। तो सबसे पहले जरूरी होता है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि उसका एक बार बेसिक पता चले, आखिरकार इस चैप्टर को क्यों पढ़ा जा रहा है, किस लिए पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं
देखिए यहाँ पर उसके बाद दिया हुआ है कि इसका आखिरकार क्या उपयोगिता है एंड क्या इंपोर्टेंस है। काल श्रेणी जो विश्लेषण है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, आखिरकार हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ते हैं इसे। देखिए इसका कुछ यूज है, वो क्या है, भूतकाल के व्यवहार का विश्लेषण। भूतकाल का मतलब होता है जो समय बीत चुका है, जो समय चला गया है। जैसे कि अभी हम लोग 2023 में है, 2022 की, 21 की, 20 की अगर मैं एनालिसिस करने लगूं या मैं एनालिसिस कर सकता हूं, तो ये जो टाइम सीरीज है बेनिफिशियल है हमारे लिए, उपयोगिता है। इसकी यही उपयोगिता है कि हम लोग जो समय चला गया है, हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के अंदर जो समय जा चुका है, हम लोग उसकी एनालिसिस कर सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में हमारा जो बिजनेस है वो किस तरह का रहा। तो ये क्या है इसकी उपयोगिता। अगर सेकेंड उपयोगिता की बात करें तो हेल्पफुल, ठीक है, ये हमारे लिए हेल्पफुल है। किसमें, इन फोरकास्टिंग, मीन क्या, पूर्वानुमान में सहायता। पूर्वानुमान में सहायता का मतलब यह है कि इसके बेस पर, इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में जो हमारा प्लान है वो हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन में सहायता। देखिए हेल्पफुल इन कंपेरेटिव, ठीक है, कंपेरेटिव मीनिंग ये होता है जैसे कि मेरे पास 2010 और 2020 जैसे कि चल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपस में कंपेयर कर सकता हूँ कि आखिरकार 10 सालों में मैंने जो है बिजनेस को कितना बढ़ाया है। तो ये सब जो है किसकी सहायता से किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जिसकी सहायता से हम लोग अपना जो भूतकाल है, पास्ट बिहेवियर को चेक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए हम लोग क्या बना सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं। एंड थर्ड, हेल्पफुल इन कंपेरेटिव, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अलग अलग कोई वर्ष दिए हुए हैं, ईयर दिए गए हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 4 की, एंड फोर नंबर जो पॉइंट है, उपलब्धियों का मूल्यांकन, इवेल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें क्या पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट समझाया गया है कि जैसे हमारी जो अचीवमेंट रही है, ठीक है, पास्ट ईयर में हमने किस तरह से अपने कार्य को किया है, किस तरह से अपने काम को किया है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इजिली इन वे में उसकी जो है ना एनालिसिस कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, व्यापार चक्रों का अनुमान, ठीक है, व्यापार चक्रों का अनुमान या फिर एस्टिमेशन ऑफ ट्रेड साइकिल। देखिए ट्रेड साइकिल क्या है कि जैसे हमारा जो बिजनेस है वो लगातार चलता हुआ आ रहा है, तो ट्रेड साइकिल को समझिए, व्यापार चक्र आखिरकार होते क्या है। ट्रेड साइकिल, देखिए ट्रेड साइकिल एक ऐसी चीज है जैसे कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारा बिजनेस यहाँ पे होगा बिल्कुल स्टार्टिंग के पॉइंट पे, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, फिर वो मैच्योरिटी पे पहुंचेगा, मैच्योरिटी के बाद पहुंचने के बाद फिर क्या करेगा, बिजनेस हमारा डिक्लाइनिंग स्टार्ट करेगा और डिक्लाइनिंग के बाद एक टाइम वो आएगा, फिर ऑप्शलेंस होगा और फिर से बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो ये होता है व्यापार चक्र। जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो एक बार बहुत अच्छे चलेगा, ठीक है, बहुत अच्छे चलता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिक्स हो जाएगा, व्यापार ना बढ़ेगा ना घटेगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो हमारा बिजनेस है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग होना शुरू होगा और व्यापार एक लेवल तक गिर डाउन होगा, ठीक है, डाउन होने के बाद फिर से बूम करेगा। तो ये था व्यापार चक्रों का अनुमान। उसके बाद बात करेंगे क्या कि आखिरकार जो ये ट्रेड साइकिल होते हैं, ट्रेड साइकिल हमारे बिजनेस के अंदर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। लेकिन हम लोग बिल्कुल लेके चल रहे हैं बेसिक से लेके इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको जो है हर एक पॉइंट के बारे में पता चले, ठीक है, हर एक पॉइंट के बारे में आप लोगों को पता चले। तो सबसे पहले क्या है, काल श्रेणी का अंग या फिर संगठक, एस्टिमेशन ऑफ ट्रेड साइकिल। देखिए जो अपना ट्रेड साइकिल है, ट्रेड साइकिल का जो अनुमान है किस तरह से लगाया जा सकता है, तो किस तरह से लगाया जा सकता है, सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति, सेकुलर ट्रेड या फिर नियमित अल्पकालीन उच्चावचन, ठीक है, और अनियमित देव उच्चावचन। तो ये 3 टाइप्स के क्या हैं जो है हमारे एनालिसिस है जिसके बेस पर हम लोग ट्रेड साइकिल फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है सबसे मेन पॉइंट, यहाँ से हम लोग बात करेंगे किसकी, कि आखिरकार इस चैप्टर के अंदर जो अपना टाइम सीरीज का जो चैप्टर है, इसके अंदर हम लोग कितने टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, या ये कहिए कितने आखिरकार इसके अंदर मेथड्स हैं। तो सबसे पहला जो मेथड्स है आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहला कौन सा है, फ्री हैंड करो मेथड, ठीक है, कौन सा है, फ्री हैंड करो मेथड, जी हाँ, फ्री हैंड करो मेथड, ठीक है, ये आपका है फ्री हैंड करो मेथड, जिसे हिंदी में कहेंगे मुक्त हस्त वक्रीति। उसके बाद है सेमी एवरेज, थर्ड है मूविंग एवरेज मेथड, और फोर्थ है आपका मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। तो उसके बाद देखिए ये 4 मेथड है जो कि इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, सबसे मेन रहेंगे ये, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, ये दोनों तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बड़े जल्दी आप लोग समझ जाएंगे।
और उसके बाद देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग जंपिंग क्वेश्चन आया है, तो यहीं से आया है, यहां से 10% चांसेस है, यहां से 90% चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आने के। तो उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट में फिर से जो है डिस्कशन करेंगे। हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।